नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एक क्वालिटी इंजीनियर से पूछ ही जाते हैं इंटरव्यू में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? आइए दोस्तों, बात करेंगे पहले इनके प्रिंसिपल के बारे में और बात करेंगे यूज के बारे में। तो अगर वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए, इसका सिद्धांत क्या होगा, इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है वर्नियर कैलिपर? तो दोस्तों, ये काम करता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। वर्नियर कैलिपर काम करता है किस प्रिंसिपल पे? डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। जबकि माइक्रोमीटर के अगर प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है नट एंड स्क्रू प्रिंसिपल पे, नट एंड स्क्रू। अब बात करते हैं इनके यूज के बारे में कि इनका यूज क्या होता है। तो दोस्तों, जो वर्नियर कैलिपर है उसका यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर। जैसे इसमें कौन कौन से पैरामीटर लिए जा सकते हैं, जैसे इसमें हम पैरामीटर ले सकते हैं, पैरामीटर अगर ले हम कौन कौन से पैरामीटर यूज हो सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं इसमें हाइट, डेप्थ और डायमीटर। हाइट, डेप्थ और डायमीटर। डायमीटर में दोनों टाइप के डायमीटर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही मेजर किए जा सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। अब बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। किसको? एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, इसमें आ सकता है आपका लेंथ, थिकनेस और एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर, इसमें इंटरनल नहीं आएगा, केवल एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, थिकनेस और एक्सटर्नल डायमीटर। एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए, अगर इस कैप के बारे में, ये मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर का हम कैप के बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मेरे पास ये कैप अवेलेबल है, तो मैं क्या इसमें, अगर मेरा वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है तो मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूँ? इसकी डेप्थ को मेजर कर सकता हूँ, इसका एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकता हूँ, इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकता हूँ, इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूं, यही कर सकता हूं। और मैं अगर माइक्रोमीटर के बारे में बात करूं तो मैं क्या मेजर कर सकता हूं? इसका केवल एक्सटर्नल, इसका बाहर से जितना डायमीटर है उसको ही मेजर कर सकता हूं, इसकी थिकनेस को मेजर कर सकता हूं, इसकी लेंथ को मेजर कर सकता हूं, लेकिन इसका इंटरनल डायमीटर, इसका जो इंटरनल डायमीटर है उसको मेजर नहीं कर सकता। तो ये है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है लीस्ट काउंट के बारे में। इन दोनों का लीस्ट काउंट क्या हो, इन दोनों का लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना कितना होता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। लीस्ट काउंट, दोस्तों इस बारे में बताता चलूं आपको कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, कितनी कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो होता है लीस्ट काउंट, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। क्या बताया? कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट
जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो ही लीस्ट काउंट कहलाता है। अब बात करेंगे इनके लीस्ट काउंट के बारे में कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो भागों में अवेलेबल होता है, एक मैनुअल और एक डिजिटल। तो इन दोनों के अलग अलग मैनुअल और डिजिटल लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे, मैनुअल और डिजिटल। ऐसे ही मैनुअल डिजिटल। तो अगर बात की जाए वर्नियर कैलिपर के मैनुअल के बारे में, मैनुअल वर्नियर कैलिपर के बारे में बात की जाए तो क्या होगा इसका लीस्ट काउंट? इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm, 0.02 mm। और डिजिटल की बात की जाए, डिजिटल वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो उसका हो जाएगा 0.01 mm। ऐसे ही अगर माइक्रोमीटर के मैनुअल मैनुअल माइक्रोमीटर के बारे में बात की जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? 0.01 mm। अगर डिजिटल माइक्रोमीटर अवेलेबल है तो उसका कितना हो जाएगा? 0.001 mm। तो आइए दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास मैनुअल वर्नियर कैलिपर है तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm, डिजिटल है तो 0.01 mm, ऐसे ही माइक्रोमीटर में मैनुअल है तो 0.01 mm और डिजिटल है तो 0.001 mm, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि क्वालिटी के बारे में, कि क्वालिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में और आपको यहां पे एक ऐसा जवाब देना है कि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ आपने पढ़ाई की, आपने नॉलेज ली है। अब समझेंगे व्हाट इज क्वालिटी। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? तो हमें इसका आंसर ऐसे देना है, क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, मतलब निरंतरता, निरंतरता। निरंतरता का मतलब हुआ या कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना, मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि हमने केवल 10 दिन ही किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी दी और फिर हमने उसको क्वालिटी को नीचे डाउन कर दिया, तो वो सही नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब बनाए रखना। अगला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। मतलब कि वेस्टेज को एलिमिनेट करना। अगला पॉइंट है डिलाइटिंग कस्टमर। कस्टमर को खुश रखना। अगला है मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैचअप करके चलना। मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाएं। कस्टमर ने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हमारे लिए उनको फॉलो करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। अगला है डूइंग एवरीथिंग अबोव राइट इन फर्स्ट टाइम। डूइंग एवरीथिंग अबोव राइट इन फर्स्ट टाइम, मतलब कि पहली बार में ही हमें प्रोडक्ट को सही बनाना है, पहली बार में ही प्रोडक्ट को सही बनाना है। ऐसा नहीं उस पर रिवर्क कर रहे हैं बार बार, तो वो सही नहीं है। हमें पहली बार में प्रोडक्ट को ओके बनाना है। अगला है फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूज। मतलब कि फिटनेस फॉर द पर्पज ऑफ यूज, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे उस प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूज करने के लिए फिट हो, ये होता है क्वालिटी। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्वालिटी, आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है व्हाट इज क्वालिटी, तो आप ये जवाब देंगे क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी, एलिमिनेटिंग वेस्ट,
डिलाइटिंग कस्टमर, मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, डूइंग एवरीथिंग अबोव राइट इन फर्स्ट टाइम, फिटनेस फॉर द पर्पज ऑफ यूज, ये क्वालिटी। अब बात करेंगे 7 QC टूल्स के बारे में, कि 7 QC टूल्स क्या होते हैं। 7 QC टूल्स क्या होते हैं, इसको किसने इन्वेंट किया था, उनके नाम के बारे में जानेंगे। व्हाट आर 7 QC टूल्स, 7 QC टूल्स, क्यूसी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। तो अब जानते हैं, सबसे पहले इसके बात करते हैं डिस्कवरी, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, इसके बारे में खोज किसने की थी, किसने बताया था इसके बारे में। तो इसके बारे में बताया था काओरू इशिकावा, किसने बताया था, काओरू इशिकावा ने। अब बात करते हैं कि यूज के बारे में, कि 7 QC टूल्स का यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज होता है कि किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, यह होता है इसका यूज, टू सॉल्व द क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ए प्रोडक्ट, क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ही 7 QC टूल्स का यूज होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करेंगे कि 7 QC टूल्स के नाम के बारे में, कि कौन कौन से 7 QC टूल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले है चेक सीट, उसके बाद है हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट्स, स्कैटर डायग्राम, और सातवां है स्ट्रेटिफिकेशन। तो कौन कौन से 7 QC टूल बताए गए हैं, चेक सीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और स्ट्रेटिफिकेशन, ये बताए गए 7 QC टूल्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है एट्रीब्यूट डिफेक्ट और वेरिएबल डिफेक्ट के बारे में, कि एट्रीब्यूट डिफेक्ट क्या होता है, वेरिएबल डिफेक्ट क्या होता है, इनके एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझेंगे। What are attribute defect and variable defect? Variable defect, variable of attribute. तो सबसे पहले बात करते हैं attribute defect के बारे में। Attribute जो defect होता है दोस्तों, वो एक ऐसा defect होता है जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डू नॉट क्वांटिफाई, जिसको हम माप नहीं सकते। जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर है, इसका मैं अगर बात की जाए तो डायमीटर, थिकनेस, इसकी हाइट, ये सब माप सकता हूं। तो अगर मैं अगर इसको माप सकता हूं तो ये चले जाएंगे वेरिएबल में। ये इसमें क्या होता है, हम उसको माप सकते हैं, कैन बी क्वांटिफाइड, यहां हो जाएगा कैन बी क्वांटिफाइड। वेरिएबल डिफेक्ट क्या होते हैं, जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट के जैसे कि प्रोडक्ट का डायमीटर है, हाइट है,
डेप्थ है, ये सब इस तरह के एग्जांपल, डायमीटर, हाई, डेप्थ, इस तरह के एग्जांपल हो गए आपके वेरिएबल डिफेक्ट, क्योंकि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये डायमीटर 10, जैसे कि ये इसके हाइट के बारे में 10 mm है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट डिफेक्ट की बात की जाए तो उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि पिन मार्क, लाइन मार्क, स्क्रैच, डस्ट, इस तरह की चीजें। जैसे कि अगर इस मार्कर पे पिन मार्क आ जाए, लाइन मार्क आ जाए, स्क्रैच आ जाए, डस्ट, इस तरह की चीजें हो जाएं, तो वो किस तरह, वो डिफेक्ट कौन से चला जाएगा, एट्रीब्यूट में। लेकिन अगर इसके डायमीटर से, हाइट से रिलेटेड कोई अगर डिफेक्ट है तो उस तरह का डिफेक्ट चला जाएगा वेरिएबल में। ये होता है एट्रीब्यूट डिफेक्ट और वेरिएबल डिफेक्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है 3M। कि 3M क्या होता है, 3M क्या होता है, और इसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम PPM के बारे में, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आज का इंटरव्यू पूछा जाने लगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है, व्हाट इज 3M? 3M, 3M क्या होता है, 3M? तो दोस्तों जो 3M है वो शो करता है वेस्टेजेस को, तीन टाइप की वेस्टेजेस को शो करता है। क्या शो करता है, वेस्टेजेस, थ्री टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। तो 3M में अलग अलग शब्द छुपे हुए हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला M का मतलब होता है मुद्दा, मुद्दा। ये तीन जो शब्द हैं जापानीज टर्म है ये, तो मुदा, मुदा, मुदा का हिंदी अगर इंग्लिश में मतलब जाना जाए तो मतलब होता है वेस्ट। मुदा मतलब क्या होता है, वेस्ट। जैसे कि अगर बात ये डेफिनेशन के बारे में, तो ये कब जनरेट होता है, जब हमारे पास, ये जब जनरेट होता है जब हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हैं। इट इज जनरेटेड, इट इज जनरेटेड व्हेन रिसोर्स अवेलेबल आर मोर देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिसोर्स अवेलेबल आर मोर देन रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक असेंबली लाइन है, मेरे पास एक असेंबली लाइन है जिसे मुझे 10 मैन पावर की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 10 मैन पावर की, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है 11, 12, 13 बंदे। तो जरूरत मुझे 10 की है, अवेलेबल मेरे पास है 10 से ऊपर, 11, 12, 13, 14, जितने भी हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का डिफेक्ट हो जाएगा, ये वेस्टेज है, तो ये मुद्दा में चला जाएगा। ये डिफेक्ट किस में चला जाएगा, ये वेस्ट किस में चला जाएगा, मुद्दा में। अब बात करते हैं मूरी, मूरी, मूरी का होता है ओवरबर्डन। इसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, ओवरबर्डन, ओवरबर्डन मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल होना। मेरे पास जैसे कि असेंबली लाइन है, सेम एग्जांपल है, 10 मेरे को मैन पावर चाहिए किसी लाइन पे काम करने के लिए, लेकिन मेरे पास केवल 8 अवेलेबल है और मैं उन 8ों से ही काम करवा रहा हूं, तो ये क्या है, तो ये ओवरबर्डन हो गया। ये किस तरह का वेस्ट, ये किस तरह का डिफेक्ट हो गया, किस तरह का वेस्ट हो गया, ओवरबर्डन में चला जाएगा, ओवरबर्डन। इसकी डेफिनेशन, इट इज जनरेटेड व्हेन रिसोर्स अवेलेबल आर लेस देन रिक्वायरमेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल होना। अब अगला है मूरा, मूरा, मूरा का मतलब हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी, इन कंसिस्टेंसी या अनइवननेस, इनकंसिस्टेंसी या अनइवननेस। ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज जनरेटेड व्हेन रिसोर्स अवेलेबल आर समटाइम्स, समटाइम्स लेस और मोर देन रिक्वायरमेंट।
मतलब कि कई बार हमारे पास मैन पावर क्या है, ज्यादा अवेलेबल है, कई बार कम अवेलेबल है, तो वो किस तरह में चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो वेस्टेज चला जाएगा मूरा में। वो किस में चला जाएगा, मूरा। जैसे कि मेरे को 10 मैन पावर चाहिए किसी लाइन पे काम करने के लिए, मेरे पास कभी अवेलेबल है 9, कभी 8, कभी 11, कभी 12, मतलब कि जितने रिक्वायरमेंट है कभी कम अवेलेबल है, कभी ज्यादा अवेलेबल है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये किस में चला जाएगा, मूरा में। ये होता है दोस्तों 3M। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज आजकल पूछे जाने लगा है इंटरव्यूज में, उसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसे डिफेक्ट्स के, अगर अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके लिए पूछा जाता है कि आप कुछ ऐसे वेस्टेजेस के बारे में बताइए जो आप इस कंपनी में कम कर सकते हैं, जो आप देखते हैं और वो कम कर सकते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जिन डिफेक्ट को आप डेली बेसिस पे देखते हैं और आप उनको कम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, नेम सम डिफेक्ट या नेम सम वेस्टेजेस, नेम सम वेस्टेजेस दैट कैन बी रिड्यूस्ड इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी में कौन कौन से डिफेक्ट को आप कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन कौन से ऐसे, कौन कौन से वेस्टेजेस जो हम डेली बेस पे देखते हैं किसी भी कंपनी में, उनको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम कॉमनली देखते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का वेस्ट। जैसे हमें देखते हैं कि कंपनियों में क्या, कैंटीन्स में, या बात करें टॉयलेट्स में, क्या है, पानी या तो लीक हो रहा होता है या उसको कोई खुला छोड़ के चले जाते हैं, तो जिससे पानी लगातार बहता रहता है, तो ये पानी का वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। ये इस तरह का वेस्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, जैसे कि हमने देखा है कि पंखे खुले छोड़ देना, लाइट खुली छोड़ देना, इस तरह की जो वेस्टेज है वो इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा, इस तरह के वेस्ट। अगला है केमिकल वेस्ट, केमिकल्स का वेस्ट। अगला है कॉमन है जो हम लगातार देखते हैं, पीपीई का वेस्ट, पीपी पीपी का वेस्ट। पीपी की फुल फॉर्म क्या हम जानेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव, इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी की फुल फॉर्म होती है। तो पीपी का वेस्ट सबसे बड़ा वेस्ट एक तरह से माना जा सकता है, क्योंकि हम डेली यूज पे देखते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा पीपी पीपी अवेलेबल है, जैसे कि हैंड ग्लव्स है, ईयर ग्लव, ईयर प्लग है, नोज मास्क है, इनको काफी टाइम तक मान लीजिए यूज किया जा सकता है, लेकिन हम उनको थोड़े टाइम में यूज करके उनको फेंक दें, तो ये उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चार वेस्ट हैं जो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, केमिकल वेस्ट और पीपी का वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएम, व्हाट इज पीपीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, व्हाट इज पीपीएम, पीपीएम क्या होता है और इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर देंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में कि पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगी फुल फॉर्म, पार्ट्स पर मिलियन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम। अब बात करेंगे कि ये होता क्या है, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन समझते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन एवरी 10 मिलियन इन 10 लाख पीसीज, ठीक है, हर 10 लाख पीस में से,
हर 10 लाख पीस में से कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उससे हम पीपीएम निकालते हैं। हर 10 लाख में मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हैं तो उससे हम पीपीएम को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स टू द टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंटू 10^6। मतलब ये क्या हुआ, 10^6 कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख क्या हुआ, इसका फॉर्मूला पीपीएम फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स टू द टोटल प्रोडक्शन इंटू 10^6। इस तरह से हम पीपीएम को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमने इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए अपलोड कर रखी है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।